नमस्ते जी, आप सब कैसे हैं? और आजकल जो बीमारी चल रही है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहिए और मास्क का भी यूज़ करते रहिए। कहीं भी जाइए मास्क जरूर लगाइए। अब देखिए सर्दियाँ आ रही हैं और खांसी और जुकाम तो है ही, हो ही जाता है और बच्चों को भी हो जाता है। तो उसके लिए आज जो मैं बनाना चाह रही हूँ, ये एक ऐसी है कि आपकी खांसी जुकाम जो कफ जमा हुआ है, चाहे बुज़ुर्गों को चाहे बच्चों को, वो सब ठीक हो जाएगा इसी से, अगर आप इसे घर में बनाते हैं। देखिए ये है तेज पत्ता, ये है तेज पत्ता, देखिए ठीक है। ये तेज पत्ता जो है हमारे कफ को पिघलाने का काम करता है, और अगर किसी को खून पतले करने की भी दवाई खानी होती है, अगर वो इससे पीते हैं तो उसका खून भी पतला होने लगता है। और ये है लौंग, ये देख रहे हैं। मगर मैं ये भी बता दूं कि लौंग ज़्यादा नहीं खा लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए। तो अगर हम एक जने के लिए बना रहे हैं तो हमें ऐसी लौंग लेनी है, देखिए इसके ऊपर जो फूल नहीं है ठीक है, वो लेनी है। ऐसी फूल वाली नहीं लेनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। तो हम एक जने के लिए बना रहे हैं तो 1 कप देखिए पानी लिया, ये 1 कप पानी लेना है, इसे गैस पे रखना है ठीक है। ये देखिए ये सिम पे रख दिया हमने गैस पे, और ये थोड़ा सा गुनगुना, मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाए, हल्का हल्का ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब ये देखिए खाली कप है, और इसमें क्या करना है, हमने ये तेज पत्ते को ऐसे यहाँ डाल देना है, देखो ठीक है। और ये हमने ये देखिए ये लौंग ली है, और यही लौंग मैंने ऐसे डाल देनी है। अब ये मैं गुनगुना कर रही हूँ, पानी को उबालना नहीं है, गुनगुना ही करना है। तो वो गुनगुना पानी इसमें हमने डालना है, तो ये गुनगुना हो गया है, और ये हमने इसमें डाल देना है ठीक है। आपने इस तरह डालना है और इसे कवर कर देना है, 5 से 10 मिनट इसे ऐसे ही कवर करके रखना है। कवर करने के बाद जो है ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर मैं ये देखिए, अब इसको हमें 5 मिनट हो गए हैं, अब हमने इसे क्या करना है, इसमें छान लेना है ठीक है। मगर ये जो लौंग है तेज पत्ता, आप इसमें फिर से डाल के पानी रख सकते हैं गर्म डालने के, और अगले दिन के लिए। अब आप जो लोग मीठा पीना चाहते हैं वो प्लीज़ गुड़ मिक्स कीजिएगा, और जो मीठा नहीं पीना चाहते वो ऐसे ही पिए। और पीने के बाद ये रात को पीना है, ताकि इसके बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पियेंगे इसके बाद तो आपका गला सूज सकता है, सूजन आ जाएगी आप में, इसलिए प्लीज़ आप जब ये पिएं तो रात के समय पिएं। और अगर जो जिनको शुगर है प्लीज़ गुड़ मत मिक्स कीजिएगा, और जो फीका पी सकें वो प्लीज़ ऐसे ही पीजिए, कफ आपका ख़त्म हो जाएगा, खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको जुकाम ठीक हो जाएगा, आपके गले की बीमारियाँ जितनी हैं सब ठीक हो जाएंगी। तेज पत्ता और लौंग बहुत फ़ायदेमंद है। तो थैंक यू।